बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बजेड़ा खुर्द में जो घटना हुई उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। जिसने उस घंटा को सुना, जिसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है उसमें जाति विशेष के एक वर्ग के कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे और आज उसी का नतीजा है कि ये बजेड़ा में ये घटना घट गई। ये बजेड़ा के लोगों का पहले भी दो तीन बार इन्होंने इस तरह से पूरे गांव ने इकट्ठे होकर के मदापुर पर चढ़ाई करने का काम किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते उस कार्रवाई को रोक दिया। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूँ, खासतौर से नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जिन्होंने अपने गुस्से का मजबूती से इजहार किया और आज उसी का नतीजा है कि पॉलिटिकल लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे और साथी हों, हमारे सीनियर लोग हों, साथ हमारे भाई हों, उन्होंने भी इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ने का मन बनाया और अपने अपने हिसाब से सब लोग अपनी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी मजबूती का ये नतीजा आया कि LIU और प्रशासन के लोगों को और इवन सरकार में बैठे लोगों को के कान पे भी ये जूम रही कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं करोगे तो क्षेत्र की जनता किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साथियों कि पिछले दिनों एक घटना हमारे मसूरी में हुई और पुलिस के द्वारा 5-6 लोगों मारे गए, लड़के बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। उस समय भी मैंने सब लोगों से हाथ जोड़ के कहा था कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ लो, लेकिन हमारे राजनीतिक लोग जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने उस जिम्मेवारी को मजबूती से नहीं लड़ा। अगर उस समय इस जिम्मेवारी को मजबूती से निभा लेते, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था उसमें, आज वो लोग बाहर घूम रहे हैं और जिनके बेचारे गरीब लोगों के बच्चे मर गए वो लोग जेल में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। और सब जबकि वहाँ सब ने कहा था कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी कानून में किसी की नहीं होती है, जुल्म करने वाला की जगह जेल है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करने चाहता हूँ साथियों कि अब वक्त आ गया है, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। आपने देखा छुटपुट होकर के कई घटनाएं इकट्ठी हो गई है। अकेले आसपास से अगर आप नजर घुमाओ, धौलासा में से लेकर के, पलकवा से लेकर के, इखलाई इनायतपुर से लेकर के, कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो आदमी के जमीर को झकझोर देती है। मेरी आपसे अपील है कि हम लोग इसलिए पैदा नहीं हुए कि खाना खा करके सो जाए। हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोगों का ये काम है कि हम लोग मजबूती से अपने भाइयों के साथ जहाँ जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे नौजवान साथियों के बहुत टेलीफोन मैसेज आए और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आप इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बहुत ही ठंडे दिमाग से और पूरी मजबूती से लंबी लड़ाई है। अगर आपने इस एक लड़ाई को मजबूती से लड़ लो, और मुझे खुशी है कल मदापुर के उनके परिवार के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप बता दो अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो पूरे लोग आपके तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर कीमत पर इस लड़ाई को आगे अंजाम देना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। मुझे बहुत ऐसा लगा कि शायद इस लड़ाई को, आर पार की लड़ाई को लड़ने का वक्त आ गया। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप साथियों इस बार मजबूती से खड़े हो जाओ तो 4 साल चैन की नींद सो सकते हो। और अगर इतने जुल्म होने के बाद भी हमारा अंदर से जमीर नहीं जागा है तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आज इलाहाबाद किसी अपने निजी काम से आया था और मैंने यहाँ पर बहुत सीनियर एडवोकेटों से कई से बात की और सबका, चूंकि मैं जानता हूं कि जिस तरह की सरकार है, जिस तरह के अधिकारी हैं, जिस तरह का पुलिस प्रशासन पर दबाव है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस प्रशासन इसमें कोई ठोस कार्रवाई करेगा। आपकी उसका ही नतीजा है कि जो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो गई, लेकिन मुझे मालूम है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है और इसमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ के जितने सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये इस तरह का केस है कि इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट जब जाएंगे रिट फाइल करके कोई ना कोई ऐसा आदेश होगा जिसमें सरकार भी और प्रशासन भी मजबूर हो जाएगा कार्रवाई करने के लिए। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप जिस तरह से नौजवान साथियों ने खासतौर से जो दबाव बनाया, इस दबाव को बनाए रखना।
राजनीतिक लोग तो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मैं नौजवान साथियों से, क्षेत्र के सभी हिंदू मुसलमान सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये हमारा इलाका इतना शानदार इलाका था, कभी गांव देहात में कभी कोई बात नहीं होती थी, कोई छोटी मोटी बात भी होगी तो लोग बैठ करके हम लोग आपस में निपटा लेते थे, लेकिन अब गुजरना मुश्किल हो गया। जिस तरह से यंग जनरेशन का मैं वीडियो में देख रहा था, जो रिएक्शन, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का अभद्र इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि नफरत जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को लड़ने का काम करो। मैं अपने राजनीतिक साथियों से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जो मसूरी में किया थाना मसूरी कांड में, मेहरबानी करके इस कांड में वो काम ना करें, क्योंकि जिस तरह का कांड उसमें हुआ, अगर वो उस टाइम पे भी मजबूती से लड़ाई लड़ ली गई होती तो शायद किसी की हिम्मत ये ना होती कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। मैं आखिर में अपने सभी साथियों का और आप लोगों से यही अपील करते हुए कि आप बैठो, मशवरा करो, सब लोगों से बात करो और सब लोगों को इकट्ठा करके इस लड़ाई को आगे अंजाम तक पहुंचाने का काम करो। और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सबने अपने अपने तरीके से, जो जिसके बस की था, जो जिस काबिल था, जो जिसकी जिम्मेवारी था, सबने अपनी इस जिम्मेवारी को निभाया, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सब लोग अपनी इस जिम्मेवारी को निभाते रहेंगे और हम लोग इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़के आगे आने वाले समय में कोई आदमी इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत ना करे, इस तरह का जघन्य अपराध करने की कोशिश ना करे, ये हम ऐसे हालात पैदा करें। शुक्रिया।